हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। देखते हैं कि आज आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लेट गो कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आपको कोई कंट्रोल इश्यूज, लाइक आप एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे, तो आपको रिलेशनशिप में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से या आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना घेरे में ले रहे हैं, तो आपको बस कंट्रोल इश्यूज से बचना है ताकि आपके रिलेशन में एक स्पेस मेंटेन रहे। और आपको मतलब चीज़ें ना एक नेचुरली हैंडल करनी चाहिए एक स्पेस के साथ। तो चीज़ें प्यार से हैंडल कीजिए, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या आज के लिए। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तो आपको वो बहुत ज़्यादा खास समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंसान हैं, वेरी नाइस पर्सन। योर कडल आर वर्थ डाइंग फॉर। तो आपका एक हग या आपकी आपसे जब गले लगते हैं तो उसके लिए जैसे ना मरना भी मतलब उसके लिए मरना भी तैयार है, वो वाली एनर्जी है। बहुत लाइक बेचैनी लग रही है कि आपको गले लगाना चाहते हैं डेस्परेटली। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और इस बात का उनको रियलाइजेशन है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उनको बस खुश देखने के लिए। If all I ever had was you and that could be enough. आप ही उनके लिए बेहतर है और आप ही उनके लिए सब कुछ है, ये उनका कहना है। Let's see, एक लास्ट मैसेज। When I am with you, I can be myself. तो आपके साथ जब वे होते हैं ना, बस वो उनके खुद के साथ होने की जैसे फीलिंग है, एक बहुत ही ज़्यादा सेफ, सिक्योर और एक फ्री फील होता है। तो इसलिए शायद आपको मैसेज आया है कि कंट्रोल इश्यूज करना छोड़ दे, क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा एक फ्री समझते हैं, एक अलग ही बहुत ही अच्छी एनर्जीज में फील कर पाते हैं। तो ये थे लव मैसेजेस। थैंक यू यूनिवर्स।